It's always a good day when you have Tapan and Sumukhi in the house. How does it go? Awesome. So nice. What a nice intro you've given already. Yeah. Made us feel refreshed. Well, aap log na ho to hame hasne ka mauka milega in these times. तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो इतना खराब है. लुक एट दिस एंकर, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछूं. हाउ डू आई, कैन यू इमेजिन, हाउ डू आई मेक इट राइट? या एंड आई थिंक आई एम रादर फनी. This is so funny already. What you're saying, you being honest is so funny, Pooja. Come on. You already बोले कैसे सवाल पूछूं? हाँ, उल्टा पहले सवाल पूछूं मैं. बढ़िया. See, this is such a good. I already love this interview because you have been so candid and honest in the start only. This is not, you know, everybody is like, so welcome to One Mic Stand. We have someone. How was it doing this show? You are like, मैं funny नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? बताओ. Yeah, next edition में मुझे ले लेना यार. Love it, love it. love it. पर आप मुझे बताओ, जब आपका फर्स्ट टाइम व्हेन यू फेस दैट माइक, बहुतों की बोलती बंद हो जाती है, आपका कैसे एक्सपीरियंस था जब माइक को देखा, माइक को छूया, आप कुछ बोले या ऐसे देखते गए? सुमुखी, यू वांट टू स्टार्ट? या ओके. आई मीन, मैं स्टैंड अप से पहले तो इम्प्रूव कर रही थी, स्केच कर रही थी, तो मुझे लगा था माइक को तो स्टेज फियर होगा नहीं. बट आई रिमेम्बर, मैं काम से आ रही थी वापस, आई वाज वर्किंग इन बैंगलोर, और मेरा ऑफिस आई थिंक 9:30 रात का हो रहा था, एंड देयर वाज अ स्पॉट अवेलेबल एट दिस वेन्यू कॉल्ड टेक 5. तो वहां पे कॉमेडी 11 बजे तक चलती है, तो मैं 10:15 तक निकली थी, सॉरी. तो मैं जब तक आ गई थी, सारे कॉमिक्स वहां पर थे, और उन लोगों को मैंने, उन्होंने एवरी मंडे टेक 5 पे सारे कॉमिक्स ने मेरा नाम डाल के रखा था कि एक दिन तो तुझे आना ही पड़ेगा ओपन माइक करने के लिए, और मेरी फट रही थी. तो आई रिमेम्बर आई एंटर्ड लाइक मैं 10:55 को मैं एंटर की, ताकि मैंने सोचा कि अरे इवेंट खत्म हो गया, मैं क्या करती, ओ माय गॉड, मैं वो सोच रही थी. एंड आई रिमेम्बर वामसी होस्ट कर रहे थे, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक द शो इज नॉट एंडेड, ये आएगी 5 मिनट करने. एंड मेरी जो फटी थी, आई वाज लाइक ओ नो. और जो आई मीन, आई डिड माय 5 मिनट्स एंड आई एम ग्लैड आई डिड दोस, बट आई रिमेम्बर एवरीवन वाज वेरी इन्वॉल्वड इन माय 5 मिनट्स. एवरीवन वाज लाइक, तो 5 मिनट के बिना नहीं जाएगी ना, तो फेंक देंगे हम लोग इस वेन्यू से. सो इट वाज अ मिक्स ऑफ, आई थिंक एवरीवन मेड इट ग्रेट फॉर मी, बट मैं आई थी ये सोच के कि मैं बैक आउट करूंगी, तो वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा फर्स्ट टाइम, आई मीन सबका यही होता है ना, बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं सब फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली था. मेरा ये था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी वाला, आई वाज अ राइटर, मैं यू नो टीवी शोज के लिखता था, मैं अवार्ड शोज लिखता था, आईफा वगैरह सब. तो राइटिंग मेरे में था कि मुझे कॉमेडी लिखना आता है, परफॉर्म करना नहीं आता था. मैंने 6 महीने तक अपना सेट लिखा. सौरभ पंत जो कॉमेडियन है, वो मुझे बहुत फोर्स करते थे कि यू नो यू आर अ गुड राइटर, ट्राई स्टैंड अप, ट्राई स्टैंड अप. तो एक बार बस मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड वी साइंड अप ऑन ओपन माइक, जाते हैं देखते हैं क्या होता है. और पहुंच गए, और वहां जाके आई रिमेंबर रोहिणी, हुज अ आरजे एंड एंकर नाउ, she was the host, and when she called my name, I was like, मुझे नहीं जाना है, I want to leave abhi. It's too stressful. And I went and I fumbled a lot, I performed, but it went well, and there was a video I have abhi. So I just sometimes, I open that video and look at it, seeing how far have we come from there. Because उस time, देखा कि मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ये बड़ी बात है. वो वाली बात थी. So of course, and I'm glad all of us took that first step, and always, वो जो नर्वसनेस जो होती है फर्स्ट टाइम स्टैंड अप करने की, आई थिंक दैट इज समथिंग आल्सो वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट ऑन दिस शो विद दीस सेलिब्रिटीज, राइट? कि हम तो नर्वस थे, बट वी वर ऑल यंग, वी वर नोबडीज, बट दीज आर लाइक, यू नो, यू गॉट करण जौहर, सनी लियोनी, चेतन भगत, लाइक रफ्तार एंड लाइक चेतन भगत, ऑल दीस पीपल, दे आर ऑल डूइंग स्टैंड अप फॉर द फर्स्ट टाइम. हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर देम? फे डिसूजा, हु इज लाइक अ न्यूज एंकर, बट दे आर ऑल स्टिल सो नर्वस. आई थिंक वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस, फॉर दीस सेलिब्रिटीज इन द शो. You know, news anchors की एक बात बताती हूँ. I've also been a news anchor. हमारी हर जिंदगी, every day is a comedy show. You know, सच में नहीं पता हमारे आसपास क्या होगा. We live between, okay, action, role, cue. Auto cue खराब हो गया. Suddenly mic खराब हो गया. हमारे life ही comedy है. Coming to your guests, you know, typically you meet people. It's like now I'm meeting you. I have a smile on my face because there's something about your vibe. There's some people who become and bring an instant smile. There's some people who don't bring an instant smile, but could be very funny people. So among this guest list, आपको कौन लगता है inherent comedian है, और एक has to try really hard to get it. What a great question. I think Sumukhi will agree. Karan Johar तो inherently funny है ही. मतलब
आते से ही हमसे बात पहले जूम कॉल से ही वी स्टार्टेड जब वो कैमरास एडजस्ट ही कर रहे थे तभी से कैमरा का क्या हो रहा है ये आई एम लाइक अरे इनका गॉट इट आई थिंक हम जब भी शो प्लान करते हैं एज अ टीम ना वी लुक फॉर सच पीपल हु हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर हु आर ऑलवेज ऑन वर फनी तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था जो कि फनी नहीं है बहुत मेहनत लगी बट पर्सनालिटी का फर्क होता है लाइक करण जौहर इज अ पर्सन हु लाइक्स टू बी फनी यू नो हर बात में इंटरव्यू में फनी में जो फिर डिसूजा इज अ वेरी सीरियस पर्सन ऑन कैमरा यू डोंट एक्सपेक्ट हर टू डू कॉमेडी राइट आप सोचते कि शी इज अ जर्नलिस्ट बहुत सीरियस जर्नलिस्ट है बट शी इज वेरी विटी यू नो शी इज नॉट अ लाउड कैरेक्टर फनी की शी विल डू वॉइसेस एंड ऑल She'll do a subtle like one-liners that will just hurt you and you're like, oh my God, did she just say that? So that's a very different personality. Does Bengaluru represent, guys? Bengaluru represent, yes. The Mount Kamal gal. Mount Kamal, yes. We are going to So yeah, I think सबकी वाइब बहुत ही अलग थी एंड सब यार फनी तो सब है कि हम जब मतलब किसी को शो के लिए अप्रोच करते हैं तो हम वही सोच के अप्रोच करते हैं कि एक तो उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए और खुद के बारे में मजाक बनाने का वो होना चाहिए लाइक हाउ यू स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि मैं फनी नहीं हूं कुछ करो दैट इज सो कूल ऑफ यू राइट यू आर ऑलरेडी सो लाइकेबल एग्जैक्टली या तो वो बहुत जरूरी है यार मैं सोचती थी मैं फनी हूं बट आफ्टर पीपल राइटिंग लुक एट हर स्ट्रगलिंग इंटरव्यू इन कॉमिक्स एंड आई एम लाइक बट इसमें स्ट्रगल क्या है यही तो अच्छा इंटरव्यू है वो लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारे इसमें कमेंट कर रहे हैं कि तू कौन होती है जिसको पूजा सवाल पूछेगी हमने कहा या ये भी होता है तो ट्रोल्स जो है वो दोनों तरफ आग लगा रहे हैं कि दे लाइक हां दे लाइक कहां पे आग ज्यादा लगेगी हम आ जाकर और घी डालेंगे दे वेरी दैट इवन ऐसे कॉमिक शो करते सारे ट्रोल्स को बोलते हैं अपना नकाब उतारो अपनी शक्ल हम करते हैं मुझे नहीं देखनी उनकी शक्ल घर पे बैठे सी यू आर एंजॉयिंग द इंटरव्यू वी आर एंजॉयिंग द इंटरव्यू दैट्स व्हाट मैटर्स वेट एक बहुत फनी सवाल आया था जो मैं पूछना चाहती हूँ बिफोर आई गो ऑन टू योर गेस्ट नाउ बोलते स्टैंड अप कॉमिक्स 15 मिनट के लिए जाते हैं अपने स्टेज पे बट वो 23 घंटे और बाकी 25 मिनट में क्या करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाओ सी बट द थिंग इज पूजा यू आर टॉकिंग टू टू प्रॉपर वर्कहोलिक्स हियर कि हम लोग वो 15 मिनट के अलावा ताकि हमें गिल्ट ना हो कि हम 15 मिनट कर रहे हैं हम पूरा दिन भरते रहते हैं लाइक आई नो सपन आल्सो डज दिस आई नो आई आल्सो डू दिस कि हम लोग शो लिखने की कोशिश करेंगे हम स्केच लिखने की कोशिश करेंगे हम शूट करने की कोशिश करेंगे हम रील डालेंगे तो लाइक पूरा कैलेंडर को भरते रहेंगे हम लोग तो आई थिंक यू आर थैंकफुली मीटिंग टू पीपल जिनसे वो 15 मिनट वो वेट नहीं कर रहे वो 15 मिनट का ताकि गिल्ट कम हो ऐसा ना हो रात को सोते वक्त यार सिर्फ 15 मिनट काम किया ओह सो आई थिंक मेरा अगर एक दिन खाली होता कैलेंडर तो मुझे बहुत अजीब आई फील अनइजी मतलब मैं कॉल करते कुछ काम करो कुछ तो दो मैं आज खाली कैसे बैठूं आई कांट सिट एंड वॉच टीवी अलोन तो वो प्रॉब्लम है आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम आल्सो बट आई थिंक लोग मुझे कहते हैं आप जरा शांत हो जाओगे दो दिन बट आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन अ इन अ फनी वे ऑफ कोर्स सीरियस आल्सो कि आई थिंक स्टैंड अप में बहुत मेहनत लगती है बिहाइंड द सीन्स बहुत मतलब राइटर्स बैठ के लिखते हैं कई बार जोक्स लिखते हैं और वो क्या होता है एक चीज मुझे स्टैंड करने जो अभी तक खटकती है कि वो 15 मिनट के शो के लिए कभी कभी हम लोग 7-8 मिनट के लिए भी शो करने जाते हैं छोटे छोटे राइट शाम को उसके लिए बिफोर एंड आफ्टर ही 2-3 घंटे लग जाते हैं यू ट्रैवलिंग टू द वेन्यू एंड आप अगर आपका शो 7:30 का है तो आप 7:30 पे नहीं पहुंचोगे आप 6:30 पे पहुंचोगे कभी साउंड चेक करोगे ये करोगे ऑडियंस आएगी शो शुरू करोगे शो खत्म होता है इस पे निकलोगे तो आई थिंक वो 15 मिनट के शो के लिए हर शाम 2-3 घंटे तो उसमें ही निकल जाते हैं जाने आने में शो के पहले वेट करने में वो और बाकी टाइम आप लिख रहे हो कुछ सोच रहे हो कभी बैठ के इंस्पिरेशन के लिए दूसरे कॉमेडी स्पेशल देख रहे हो ये सब कर रहे हो तो मतलब काफी चीजें दिन निकल जाता है और लड़कियां तब जा रही हैं ओपन माइक के लिए मम्मी से परमिशन पूछो परमिशन लेना है जाने देने की कि नहीं तो झूठ बोलो कि मैं तो दोस्तियां जा रही हूँ ग्रुप स्टडी के लिए और आई हैव टू कम बैक ऑन टाइम अब भी होता है ये सब हाँ अरे दिस इज हैपनिंग लाइक अभी जाके मेरी मम्मी को मैंने सच बताया लाइक दिल्ली आई रिमेम्बर व्हेन आई डिड शोज आई एम टेलिंग आई डू शोज एट 6:30 ताकि लड़कियां घर जल्दी जाएं क्योंकि अगर मैं 8 बजे करूंगी तो वो 8 बजे करेंगी फिर 10 बजे फिर मेरे शो पे मम्मियों के फोन आते हैं तो मैं अलाउ कर देती हूँ 9:55 या 9:45 को हम लाइक सब लोग लो मम्मी का फोन सब चुप रहेंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं मम्मी मैं सो रही हूँ मैं ये करी मैं वो करी तो 5 मिनट की झूठ टाइम मिलती है मेरे सारे के लिए सो हाँ आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ दैट इज ऑल्सो हैपनिंग आपके शो पर आते हैं मी वन पर्सन चलो केजो तो वी नो ही इज इनहेरेंटली फनी आई लव हिज लाइंस हिज सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा होता है ना लाइक विद पीपल लाइक शाहरुख खान विद करण जौहर यू हैव टू मैच देयर विट बिकॉज इट जस्ट कम्स फ्रॉम यस But yes. there are people who try to be witty and you wonder ki ye kya keh gaye to ye kiske sath hua isme ye main bol raha hu show mein nahi hoga ye kyunki hum aise logo choose hi nahi karte
पूरी टीम बैठती है, हम लोग अच्छे रिसर्च करते हैं कि ये सपन सपन का पहला स्पेशल था ओसीडी, तो सपन कैसे लोगों को लेगा जो सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ है सपन, तो वी हैव टू चूज ना एक्चुअली देखो ओनली स्टेज पे आके 15 मिनट के लिए स्टैंड अप कॉमेडी कर। चलो ये बता दो हु सरप्राइज यू दैट यू डिडंट थिंक वाज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे लोग, आई थिंक सनी लियोनी वन, बिकॉज सनी लियोनी का आपने इस रूप में कभी देखा नहीं, करण जौहर का आपने देखा है, यू नो मस्ती मजाक करते हुए, रफ्तार इतना रफ्तार ऑन इंस्टाग्राम इज ऑलवेज फनी, चेतन भगत भी बुक्स लिखते हैं, थोड़ी कॉमेडी उनकी बुक्स में रहती है ना, कुछ ना कुछ होता है। फे एंड सनी बोथ, फे बीइंग अ वेरी सीरियस पर्सन, न्यूज एंकर एंड टॉकिंग अबाउट न्यूज, सडनली डूइंग कॉमेडी, बहुत सरप्राइजिंग है। सनी आल्सो, सनी इज अ लिटिल गार्डेड एज अ पर्सन, राइट, शी डजंट डू एज मेनी मीडिया इंटरव्यूज एंड दिस एंड दैट आल्सो, शी इज फनी व्हेन शी टॉक्स, हां she's very funny, exactly, so you'll find out when she goes on stage that she has no filter also, she's not scared ki main ye bolu ki log sochte ki you know main public figure hu kya ye bolu kya kisi ko hurt ho jayega, Sunny went all out, she like main sab kahungi mujhe puri bhadas nikalna hai, and the good thing is that Sunny ne bahut stand up dekha hai India mein nahi internationally bhi, wo hame unse milke pata chala ki she has seen stand up internationally, jab wo US mein thi stand up bahut dekhti thi, to unne sab matlab not just big stand up, open mics bhi dekhe hain, like Sunny has gone to a comedy club on a Monday night when only 10 people are there, she has seen new material nights, all that, so she knows how stand up works, so I was blown away by that ki she has a lot of knowledge, so which is also why she knows ki comic timing kya hoti hai, stage pe kaise behave karna hai, so that was also very very interesting. Ek aur mere ko baat batao, because you know humor, through humor you can say a lot, yeah, but you need to have a sense of humor to take it on your chin, make fun of yourself and don't take yourself too seriously. The last 18 months have proved it to us. Yeah, 100%. Though I should follow what I am saying because I become very serious. But ये आजकल ये जो हमारा cancel culture है, मैं को आपका जो पसंद है मैं आपको cancel कर रही हूँ, उसके लिए आप बताओ क्या करें, how do we maneuver ourselves? तो आजकल जहाँ भी मैं जाती हूँ एक नया word है शब्द cancel culture. First I had to Google ये cancel culture क्या हो. I think मतलब दो चीजें होती है, कैंसिल कल्चर का सीन होता है जोक्स में, था कि लोगों को जोक पसंद नहीं आते हैं, और वो अभी की बात नहीं, ये शुरू 10 साल से ही चल रहा है कि आप जब जोक कर रहे हो तो किसी ना किसी को पसंद नहीं आएगा, वो तो वो कैंसिल कल्चर तो खैर अभी वर्ड आ गया, बट ये नहीं है, पीपल डोंट लाइक बिकॉज कॉमेडी इज सो सब्जेक्टिव, राइट, कॉमेडी आपको जो कॉमेडी पसंद आती है, और सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी मूवी में भी देखेंगे आपको जो फिल्म फनी लगती है वो शायद किसी और को फनी ना लगे, ये सब बहुत होता है, तो जोक्स का तो ये है ही, आई थिंक ओवर द इयर्स ऑल ऑफ अस सुमो की मी ऑल ऑफ अस हैव डेवलप्ड अ थिक स्किन, हम जो कर रहे हैं हम एक तरह की ऑडियंस को अपील करते हैं, शायद दूसरी ऑडियंस को नहीं पसंद आएगा, उनके लिए दूसरे कमेडियंस, उनको उनके जोक्स पसंद आएंगे, आई थिंक यू हैव टू बी ओके विद इट एज एज अ पब्लिक फिगर, नॉट जस्ट एज अ कॉमेडियन, एज अ पब्लिक फिगर यू हैव टू बी ओके विद द फैक्ट कि सबका वो काम पसंद नहीं आएगा, किसी को लगेगा कि ये नहीं है ये नहीं है, तो एक वो पार्ट है, और दूसरा पार्ट ये भी है कि हाँ समटाइम्स जोक्स डू टेंड टू गेट ऑफेंसिव, ये वो कभी कभी हो जाता है, तो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू आर ओके विद, आर यू ओके विद टेकिंग दैट हीट, डू यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, comedians kar rahe hain, there are comedians who are making a lot of like edgy jokes, is that getting called out also, sometimes they're apologizing, sometimes they're not, it's a very personal choice for everyone, I think. Yeah, it's also a double-edged sword na, like kuch, most of the time I see that the reaction is very extreme ki bhai kyun, but sometimes you know seekhne ko mil jata hai ki shayad hamar, there is a growth that we need to do as well, it's also because comics itne approachable, not approachable, like achhi, attainable hote hain ki hum log आपको ऐसे नहीं लगता कि हम लार्जर देन लाइफ हैं या फिर कोई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं या फिर हॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, हम लोग आपसे बात कर रहे हैं जैसे आप हमारे दोस्त हो, तो देयर इज चांसेस ऑफ यू टेलिंग अस कि मुझे नहीं पसंद आया, बिकॉज वी आर सो एक्सेसिबल एंड अटेनेबल, इट जस्ट सीम्स लाइक ऑफकोर्स मैं तुझको बताऊंगा, मुझे पसंद नहीं आया, तो दैट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड विद व्हाट वी डू एज वेल, सिंस इट्स सो पर्सनल एंड आउट देयर, but I also see like a good percentage where sometimes I think we need to learn from it, but wo kya ho jata hai na ki ye hamari self awareness thodi kabhi kabhar to hame kha jati hai, kyunki agar humne bol diya ki nahi hame seekhna hai to like ab hum pura sikhayenge, I'm like ek minute mujhe ek cheez nahi thi, paanch cheez nahi seekhni thi, ruk jao main sirf ek hi cheez mummy se seekhungi, main tumse sab kuch nahi seekhungi, so I think we as comics become a little more aware about listen, there is a learning of it, but let's not publicize it because then become the target, like it's become the weak people. I totally get that, and मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो ना अपना point of view एक joke के through बोल देते हैं, and then you turn around and compliment का क्या insult था? I've seen Mr. Khan doing it. I've seen a whole lot of people just subtly doing it, and you're like thinking like, what happened? You know, like that. वो नहीं है मुझ में यार. आप दोनों कैसे हो? वैसे you manage. You also have to kind of have you found your way around it? कैसे बोल दो? And बंदा सोच रहा है. Oh, wo, haan, haan. That, I think, that is, in fact, when someone says, no, ki aap,
do you try to avoid topics? And we're like, we avoid topics. We don't avoid any topic. We just find a way to say that topic. And then we're like, एक मिनट सुबुकी ने क्या कहा सो एंड बट बाय देन तो गाड़ी निकल चुकी है तो अभी मेरे को आके तुम चीख भी नहीं सकते मैक्सिमम ट्विटर पे जाके रोगे वो तो मैंने ब्लॉक कर ही दिया मुझे सिखाना सब गिननी यार लाइंस देना मुझे गोइंग बैक टू वी हैड कॉमिक्स बैक इन द डे देयर वाज केशव मुखर्जी देयर वाज जॉनी वॉकर देयर वाज ओम प्रकाश हु वाज सो सीरियस एंड वुड स्टार्ट ऑफ सो इफ यू वर टू डू एन ओपन माइक स्टैंड with somebody from the past, who would be your favorite? Oh, I already know the answer. I would love to mentor or see or just anything with Manorama, who is an actor from down south. Very funny. I love her. Oh, she's an all-rounder. She's Andrew Flintoff, guys. She does everything. Wow. So I would... And Nagesh on that. Yeah, but I'm very Manorama partial. So sorry. Nagesh is still... जॉनी लीगो बिकॉज मतलब आई एम 90s kid, grew up watching all those, you know, late 90s, early 2000s. So Johnny Lee was there in every movie as a comic character. And it was so interesting that time because he used to do stand-up in the middle of the movie. मुझे याद है कौन सी फिजा या कोई मूवी थी ऋतिक रोशन की जहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है कहीं पे और उसके पीछे जॉनी लीवर एक पार्क में खड़े होकर लोगों को चुटकुले सुना रहे हैं जस्ट टू लाइट इन द मूड सब कोई कनेक्शन नहीं बट इट्स सो इम्पोर्टेंट यू नो ह्यूमर इज सो इम्पोर्टेंट दैट मूवी के हाउ डिफिकल्ट मस्ट हैव इट बीन फॉर दैट टाइम जब स्टैंड अप इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं थी इंडिया में तो ये कमेडियन ने कैसे हाउ डिड ही नेविगेट डिड लाइव शोज डिड मूवीज दिस एंड दैट ऑफ कोर्स नाउ इट्स बिकम इजीियर सो आई वुड लव टू वर्क विद हिम ऑन समथिंग लाइक दिस And Jata, मुझे बताओ अब हमने डिस्कस किया पास से किसको लाएंगे नाउ यू हैव दिस विद दिस इक्लेक्टिक गेस्ट लिस्ट जी 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 हु यू एक्चुअली थिंक इज पोटेंशियली सूटेबल फॉर दिस आई लॉट्स ऑफ पीपल कैटरीना कैफ हर सेंस ऑफ ह्यूमर इज हिलेरियस यू शुड वुड लव टू यू प्लीज पुट मी इन टच विद हर आपको मैं यू नीड मी यू पूजा प्लीज यू हैव वे मोर कांटेक्ट्स देन हेलो कैटरीना और एक तो लिस्ट में मैं एक इंसान ने तो एटलीस्ट बोल दिया तो मेरा हो गया बहुत सारे लोग यार कैसे पे करवाए आई थिंक मैंने किसी को और पे बोला कि एक चीज अभी तक शो में आई थिंक मिसिंग है हमें स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से किसी को नहीं ला पाए आई वुड लाइक टू गेट अ स्पोर्ट्स लाइक इमेजिन सचिन तेंदुलकर हु सो लाइक सिंपल डोसाइल डाउन टू अर्थ आदमी कमिंग एंड डूइंग स्टैंड अप टॉकिंग अबाउट यू नो किससे कैसे कैसे मैच जीते हैं क्या क्या किया है किससे सब क्या क्या कहा है पिच पे I would be very interested. Sania Mirza also would be very funny. Yeah. I'll reach out. My job is to reach out to people throughout the year. मुझे जो मिलता है मैं कहीं किसी से मिल जाता हूँ one mic stand कर लूँगा sir please. मेरे एक. It's like a Christmas candy list. Like इसे वही लग मुझे भी चाहिए. Yeah. मुझे list endless हम ये शुरू करेंगे शाम तक चलते रहेंगे इसमें. शाहरुख खान. So. आप लोग ये वाला खत्म करो. Next में तो बस मैं आपके साथ हूँ. हाँ. Obviously. Season opener. You are the season opener. Yeah. Cool. And one person you feel. Anyone you feel needs to get a sense of humor. Don't say politics. I would say that only first, no? Because I feel like thoda... वैसे वो भी funny है यार. I would like to get my gang of trolls. Yeah, I think they should get a sense of humor. Or at least like better fat like, jokes. Yeah, like उनके fat jokes बहुत boring हो गए हैं अब मेरे को. I feel like trolls के ही in line with trolls. I feel like the hardcore fanboys of any celebrity. मतलब वो बड़ी problem है कि like अगर वही कमेडियन जोक कर रहा है तो जोक कर रहा हूँ मैं उस सेलिब्रिटी को हेट थोड़ी करता हूँ मैंने एक्सवाईजेड के ऊपर नाम बोल दिया पूरी ट्रोल आर्मी आएगी हाउ डेयर यू इंसल्ट नाम कैसे दिया चुटकुला है बस चुटकुला करके हम लोग क्या नाम क्या है तुझे हमारे भाई चुटकुले लगते हैं Just generic, I think, not the vibe, any hardcore fan followers of anything, any hardcore fan followers of a celebrity, of a political party, of a religion, a company, anything. चलो करते हैं वी नीड यू फॉर इन टाइम जाते हैं फेवरेट चुटकुला सुना दो यार ओ
I'll pick the Pooja, because you're here, I'll specifically pick the joke by Faye D'Souza. Yeah. I think you will relate to it. Where Faye comes on screen and says something like, jab Sapan ne mujhe call kiya stand up play, I was very nervous ki this is something maine kabhi kiya hi nahi hai. But then I thought ki main TV anchor reh chuki hu, so same hi baat hai. I agree. Same exactly. Exactly. And she said so, it also with such beef. So, she said, yeah. I'm like, oh, yeah. Kill. So casual. Just said it and left. Without making a big deal out of it. So yeah. I'm telling you, news bulletin anchor karo, aap circus se wapas aake, they will troll you. Yes, you've been there, done that. I'm telling you, I've been part of the circus for 20 years. I know it. Of course. But you guys are just super, man. Thank you so much. Thank you so much, Pooja. Thank you so much. Can't wait for you to watch the show. I think you'll do it. And I need to be on the next one. Yes, of course. Of course, of course. My contract hai, you jata hun, of course. Thank you so much, Pooja. Always a pleasure. Bye. Bye.